जम्मू कश्मीर में राजौरी के थाना मंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से 3 दहशतगर्दों को घेर रखा है। पिछले 24 घंटों में जम्मू रीजन में यह दूसरा एनकाउंटर है। वहीं कठुआ के बिलावर इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 1 दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है। पुलिस को मौके से भारी मकदार में हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, साथ ही 1 डीएसपी और एएसआई जख्मी हैं। जख्मी पुलिस अहलकार को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर राजौरी के थाना मंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। कठुआ के बिलावर में एनकाउंटर में 1 दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। पुलिस को मौके से भारी मकदार में हथियार भी बरामद हुए हैं। एनकाउंटर में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 2 जवान जख्मी बताए गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं अहम खबर। पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि ये दूसरा एनकाउंटर है जम्मू कश्मीर में, राजौरी के थाना मंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये अहम खबर, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। कठुआ के बिलावर में एनकाउंटर में 1 दहशतगर्द को ढेर किया गया। पुलिस को मौके से भारी मकदार में हथियार भी मिले हैं। एनकाउंटर में 1 पुलिस एहलकार की शहादत हुई है, वहीं 2 जवान जख्मी बताए गए हैं और पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को किस तरह से अलर्ट किया गया है। वहां पर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता बंदोबस्त है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के थाना मंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर के ताल्लुक से ये अहम खबर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से 3 दहशतगर्दों को घेर रखा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जम्मू रीजन में ये इस तरह का दूसरा एनकाउंटर है। वहीं कठुआ के बिलावर इलाके में चल रहे एनकाउंटर में 1 दहशतगर्द को ढेर किया गया है और पुलिस को मौके से भारी मकदार में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर राजौरी के थाना मंडी इलाके में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। पिछले 24 घंटे पर अगर नजर डालें तो ये दूसरा एनकाउंटर है और थाना मंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से 3 दहशतगर्दों को घेर रखा है। और हमारे साथ मौजूद है अपडेट के साथ हमारे साथी, हम सीधे रुख करना चाहेंगे रवि शर्मा का। रवि, आपसे इस वक्त का अपडेट चाहेंगे और खास बात यह है कि पिछले 24 घंटे में इस तरह का ये दूसरा एनकाउंटर है, अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल हिना, सबसे पहले आपको राजौरी की तरफ लेकर चलता हूँ। जम्मू जो संभाग है उसके राजौरी जिले में थरना मंडी जो इलाका है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान देर रात जो है वो गोलियों का तबादला हुआ है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी तरफ से अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अगर बीती रात की बात करें तो बीती रात को थन्नामंडी जो इलाका है वहां पर जो मिलिटेंट हैं उनकी मौजूदगी की जो इत्तला थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और जैसे ही जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो मिलिटेंट्स जो है उनके द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायर किया गया, जिसके बाद माकूल जवाब उसका जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा दिया गया। गोलियों का तबादला वहां पर हुआ सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी और मिलिटेंट की तरफ से भी, और उसके बाद अंधेरा वहां पर था और सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है क्योंकि अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इत्तला जो है वो हमारे पास नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। पूरा जो इलाका है वहां पर इस समय जो है सिक्योरिटी फोर्सेज डेरा डाले हुए हैं, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया है और 2 से 3 मिलिटेंट होने की यहां पर आशंका थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा वहां पर जो है वो एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो इस वक्त भी जारी है। जी हिना जी, और रवि आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू में खासतौर पर अगर देखें तो इस तरह के दहशतगर्दाना हमले लगातार देखे जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट हैं उनकी मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गई है, अब जम्मू की तरफ रुख कर लिया है, इसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के बारे में तफसीलात जानना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल हिना, जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू को अपना ज्यादा टारगेट करना जो है वो शुरू किया है। राजौरी पुंछ इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ इलाका हो या फिर कठुआ और उधमपुर का इलाका हो, अब इन जो इलाके हैं वहां पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कल जो है वो जिस तरह से इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान कठुआ जिले की बात करें तो वहां पर हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक पाकिस्तानी जो मिलिटेंट है जो कि जैश ए मोहम्मद तंजीम का मिलिटेंट था, उसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया और इससे जो है वो यूपीएल ग्रेनेड, M4 मैगजीन और इसके साथ साथ सर्वाइवल किट जो है वो वहां पर बरामद की गई है। जैश ए मोहम्मद तंजीम का ये मिलिटेंट था और लंबे समय के बाद यहां पर जो है वो कामयाबी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो मिलिटेंट है उनका एक ग्रुप जो था वो उस पूरे इलाके में घूम रहा था, जो बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला जो है वो करता था और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इन मिलिटेंट्स का आई कॉन्टेक्ट होता था, लेकिन उसके बाद ये मिलिटेंट जो है वो भाग निकलते थे। और ऐसा ही एक बार फिर से आई कॉन्टेक्ट मिलिटेंट्स के साथ जो कठुआ है वहां पर हुआ है और इस इलाके में जो इनकाउंटर शुरू हुआ उस इनकाउंटर में 4 से 5 की संख्या में मिलिटेंट जो है वो मौजूद थे।